हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच आप लोगों को पास दिया मैंने, मतलब जैकपॉट स्टाइल में हमारा टीम साउथ अफ्रीका हार गए, लेकिन दिल जीत लिया साउथ अफ्रीका इंडिया के खिलाफ। और लंकन प्रीमियर लीग 2024 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर मैच के एनालिसिस करेंगे और एडवांस मैच विनर भी बता देंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हर दिन प्री मैच एनालिसिस और वीडियो के इन में एडवांस मैच विनर बता दिया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। लंकन प्रीमियर लीग के पहले मैच बी लाभ कैंडी और डैम्बुला सिक्सर के बीच खेला जाएगा 1 जुलाई मंडे शाम 7:30 बजे पार्लेकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पार्लेकले में। रिपोर्ट, ये सरफेस है ड्राई एंड डस्टी, यहाँ पे गुड पेस भी है विकेट पे और स्पिनर्स को कुछ टर्न भी मिलता है। एवरेज पार स्कोर यहाँ पे 165+। बी लाभ कैंडी टीम न्यूज़, आफ्टर विनिंग द टाइटल 2023 LPL के बी लाभ कैंडी इस बार भी डोमिनेट कर सकता है और वानिंदु हसरंगा ये टीम के कैप्टन है और उनके साथ है एक्सपीरियंस कैंपेनर 37 ईयर्स के एंजेलो मैथ्यूस। डी वॉरियर्स टीम पी व्यू, 2023 में सक्सेसफुल कैंपेन जाने के बाद अभी टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग टैलेंट भी है। इस टीम में बॉलर्स बहुत ही इफेक्टिव है, स्पिनर्स अच्छा रोल प्ले करता है मिडिल ओवर्स में बी लाभ कैंडी के तरफ से। कैप्टन वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के T20 इंटरनेशनल में बहुत ही की प्लेयर है बहुत साल से और इंटरनेशनल में भी अच्छे परफॉर्मेंस करता है। लेग स्पिनर 6 विकेट लिए थे 9 रन देकर जापना किंग्स के खिलाफ लास्ट सीजन में। चांदी वॉरियर्स में मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर है दिनेश चांदीमल, बहुत ही अच्छे बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में और लास्ट 9 मैचों में LPL में उनके नाम रन है ऑलमोस्ट 250 रन्स। चांदी वॉरियर्स के पास एक एक्सपीरियंस मेंबर है एंजेलो मैथ्यूस, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है और मिडिल ओवर में बहुत ही क्रूशियल रन बनाते हैं और बॉलिंग से भी ब्रेक थ्रू दिलाते हैं अपने टीम के लिए। लास्ट 9 मैचों में LPL में उनके नाम 7 विकेट है और इकोनॉमी है जस्ट अंडर 7। कांदी वॉरियर्स टीम फॉर्म, कांदी वॉरियर्स बैक टू बैक पिछले साल 3 मैच जीता था और डिफेंडिंग चैंपियन भी था। लाभ कैंडी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, मोहम्मद हैरिस, दिमुथ करुणरत्ने, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चांदीमल विकेट कीपर, एंजेलो मैथ्यूस, वानिंदु हसरंगा कैप्टन, चतुरंगा डिसिल्वा, दासुन सनाका, लक्षण संदाकन, मोहम्मद हसनैन और सम्मू आसान। डैम्बुला सिक्सर्स टीम न्यूज, मोहम्मद नबी इस साल डैम्बुला के कैप्टन है लेकिन अभी ओपनिंग मैच में वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि लेट एग्जिट हुआ था T20 वर्ल्ड कप में अफगान का, इसलिए वो अभी तक नहीं खेलेगा और एंटायर टीम रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे पिछले साल जो फाइनल में हार गए थे। इसलिए डैम्बुला सिक्सर्स टीम पी व्यू, लास्ट ईयर रनर अप थे डैम्बुला सिक्सर्स और अकेला धनंजय बहुत ही अच्छे बॉलिंग कर रहा है इसलिए सिलेक्टर्स को उनको टीम में जगह दिए थे। 33 T20 इंटरनेशनल में उनके नाम 30 विकेट से। दुशान हेमंता भी एक की स्पिन बॉलिंग है धनंजय के साथ। हेमंता के नाम लास्ट 5 LPL में 4 विकेट है। इफ्तिकार अहमद फ्रेश स्टार्ट करेंगे, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा T20 वर्ल्ड कप में उनके लिए और मिडिल ऑर्डर में वो अच्छे कमबैक कर सकता है और बहुत ही अच्छे रन बनाते हैं और डिस्ट्रक्टिव मूव भी खेलते हैं। T20 रन है उनके नाम ओवर 5100। डैम्बुला सिक्सर्स टीम फॉर्म, डैम्बुला सिक्सर्स बैक टू बैक 6 मैच जीते थे लेकिन फाइनल में हार गए थे लास्ट ईयर। डैम्बुला सिक्सर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, कुशल पेरेरा विकेट कीपर, दसुन गुनाथिलका, मार्क चैपमैन, लाहिरू उदारा, तोहिद हृदय और मोहम्मद नबी कैप्टन, दुशान हेमंता, रनेश सिल्वा, प्रवीण जयाविक्रमा, मुस्ताफिजुर रहमान, दिलशान मधुशंका और नुआन तुषारा। बी लाभ कैंडी वॉरियर्स और डैम्बुला सिक्सर्स के बीच हेड टू हेड मैच की बात किया जाए तो ओवरऑल दोनों के बीच लास्ट ईयर 3 मैच हुआ था जिसमें बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ था तीनों मैच ही, लेकिन बी लाभ कैंडी 2 मैच जीते थे और डैम्बुला 1 मैच जीते थे। बी लाभ कैंडी वॉरियर्स और डैम्बुला सिक्सर्स मैच विनिंग प्रेडिक्शन, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही अच्छे न्यूज़ है क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद लंकन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, तो सब लोग तैयार रहना, ये बहुत अच्छा लीग होने वाला है। दोनों साइड भी बहुत अच्छे हैं लेकिन बी लाभ कैंडी ज़्यादा उनके पास बैलेंस टीम है, तो हमारी तरफ से एडवांस मैच विनर बी लाभ कैंडी वॉरियर्स। अगर कुछ चेंज हुआ तो टेलीग्राम में अपडेट किया जाएगा, आप लोग मैच टाइम टेलीग्राम पे एक्टिव रहना।